काजल राघवानी के फैंस और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बुरी खबर। बुरी खबर ये कि काजल राघवानी को BCOD नामक एक बीमारी हो गई है। यह बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में होती है और आपको बता दें कि इस बीमारी में महिलाओं के हार्मोन्स कम होने लगते हैं, यानी फीमेल हार्मोन्स कम होने लगते हैं और उसके बदले मेल हार्मोन्स ज़्यादा होने लगते हैं। शरीर में कई जगह गांठें बनने लगती हैं और वजन बढ़ता जाता है। इसके लिए आप अगर अपनी प्रॉपर डाइट रखें, खान पान में संतुलन रखें और ज़्यादातर एक्सरसाइज करें तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये बीमारी अगर एक बार आपको हो गई तो ये आपके साथ आपके शरीर में हमेशा के लिए रहती है। काजल राघवानी ने इसका खुलासा भी किया है और काजल राघवानी ये कहती हैं कि मैं इससे दुखी नहीं हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और काजल राघवानी के फैंस के लिए थोड़ी सी यहाँ निराशा की बात है, लेकिन जब काजल राघवानी इतने आत्मविश्वास के साथ कह रही हैं तो ये बात कहीं ना कहीं उनके फैंस के लिए थोड़ी सी संतोषजनक है कि काजल राघवानी अपने बीमारी को लेकर पूरी तरह से क्योर हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, उसे किस तरह से निपटना है। इस बीमारी में वजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, जिसके लिए काजल राघवानी ने अपनी एक फ़ोटो भी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम अकाउंट पर। वैसे आपको बता दें कि काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जिनके साथ भोजपुरी का हर बड़ा सितारा काम करना चाहता है। काजल राघवानी कंट्रोवर्सी से दूर और काजल राघवानी हर एक के दिलों में अपने लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं वो शायद ही भोजपुरी की कोई हीरोइन रखती हो। इतनी चुलबुली और मासूम जितनी वो पर्दे पर दिखती हैं उतनी वो रियल लाइफ में भी हैं। वैसे काजल इस बात को जानती हैं और वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। अपनी बीमारी को लेकर उन्हें चिंता तो है पर वो चिंतित नहीं हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको बता दें कि प्रॉपर डाइट और खान पान, एक्सरसाइज, प्रॉपर वे में अपनी लाइफ जीने से, एक रूटीन में लाइफ जीने से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि काजल राघवानी के लिए ढेर सारे उनके फैंस दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और कईयों ने तो उन्हें बहुत ही हार्ट टचिंग मैसेज भी भेजे हैं। हमारी भी दुआएं काजल राघवानी के साथ हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।